तो गाइस ऑफ रोड स्टार्ट कर दिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया है और साथ ही ऑफ रोड एबीएस चालू किया है। तो दोस्तों आज मेरी राइड है सिमल खां के लिए और फाइनली मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट्स आ चुकी हैं। कल मैं ये राइड नहीं कर पाया 3 तारीख को जैसा प्लान था। रीजन है कल ना कर पाने का कि यार मेरे पास 2 तारीख को बहुत सारे कस्टमर की रिक्वेस्ट आ गई थी कि मैं 3 तारीख को छुट्टी ना लूं, क्योंकि उन लोगों का पेंडिंग काम है जो निपटाना है। तो आज 4 तारीख को मैं ये राइड प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि काम भी जरूरी है, राइड भी जरूरी है। तो मैंने जो मेरा लीव था शिफ्ट कर दिया है 4 तारीख की तरफ और अब मैं निकल रहा हूँ सिमल खां के लिए। ये रास्ता जाता है रामगढ़ को, कल्ला रामगढ़ सामने वाला। Someday we'll go to this place also, this rasta also, but today we are not going to this rasta and place because we have to go somewhere else. So, रामगढ़ का भी एजेंट प्लान बनाएंगे and our friend over there say perhaps we can be at. चलो नाश्ते के लिए रुकेंगे हम थोड़ा। नाश्ते में क्या होगा डैजू? और वो भी है क्या रायता है? पकौड़ी रायता और एक चाय दे दो।
तो गाइज मेरा हो गया नाश्ता खत्म, कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, और अब निकल रहा हूँ मैं वापस सिमलखा के लिए। पहला ब्रेक हमारा हो चुका है कंप्लीट, पहुँच चुके हैं खेलना, काफ़ी गर्मी है। और इसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रोड अगर सही नहीं हुआ है, हालांकि अगर सही हो गया है तो फिर लोगों के लिए अच्छा है जो रेगुलर यूज में यूज लाना है इनको। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम यार, 8 साल में तो क्या पता हो गया हो रिपेयर। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल रहता है, गाड़ियाँ इतनी खड़ी रहती है अब निकलने की जगह नहीं रहती है। अनाप शनाप तरीके से भाई, जैसे जो घर को गाड़ी जाने चाहिए उनके लिए उनको कुछ थोड़ा अलग जुगाड़ करना चाहिए, थोड़ा आगे आगे खड़ी करें यहाँ पर ही के बजाय। चलो क्या कर सकते हैं, रूट यह है इधर की झील नहीं नरी। और सो फार नो लग तो नीरी की रोड बनी है करके, टेम्पल ऑन दिस क्लिफ्स, और इधर से पैदल चलने का है एंड बहुत फाड़ू चढ़ाई है महादेव जी का, हर हर महादेव। देखिए कितनी सुंदर जगह पर है, महादेव हमेशा अच्छी जगह पर रहते हैं। और ये देखिए बढ़िया सा बॉर्डर क्रॉसिंग, साथ में यहां पर पानी बहुत ज्यादा आता है। कुछ तो शॉर्ट्स लेते हैं यहां से,
इस मेमोरी कार्ड में 18 मिनट की रिकॉर्डिंग और आ सकती है, तो चलिए निकलते हैं इस पैच से। तो थोड़ा ऑफ रोड ट्राई करते हैं गाइस। इसके लिए पहले मेरे को एबीएस ऑफ करना पड़ेगा और ऑफ रोड वाला सेट करना पड़ेगा। सो गाइस ऑफ रोड स्टार्ट कर दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया है और साथ ही ऑफ रोड एबीएस चालू किया मैंने। आई डोंट नो, यहां से निकालना, चलो निकलिए। गोंग स्पेशल तो पैदल चलते होंगे और मैं एडवेंचर लेके जा रहा हूं, आगे से रास्ता बंद कर रखा है। चलो गाड़ी मोड़ना भी इसमें अपने आप में चैलेंजिंग है। फाइनली किसी तरह बाइक मोड़ ली मैंने यहाँ से, अब इस ऑफ रोड से उतरना है एंड आई फील इट इज ऑल्सो नॉट एन ईजी वर्क। थका लग गया यार, सांस फूल गई। पीछे का पूरा टायर स्लिप हो रहा है, पर शायद ऑलमोस्ट कर ही लिया मैंने। मेन जो कठिन पॉइंट था वो खत्म हुआ और इसके साथ ही थोड़ा ऑफ रोड फाइनली मुझे मिल गया और ये ऑफ रोड मेरा कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा ठीक ही है यहाँ से निकालना और एक बारी यहाँ से निकल जाए तो फिर बल्ले बल्ले। तो गाइस ऑफ रोड फाइनली डन। तो दोस्तों समय आ गया है इस वीडियो को एंड करने का। टिल देन बाय बाय।